सर आपने एक गाना कंपोज किया था अकेले चल पड़िए, जिसके बारे में भी आप गा भी रहे थे। OMG 2 जिस मूवी में आपने ये गाना गाया है, उसके पीछे का क्या स्टोरी था सर? फिल्म के जो निर्देशक हैं अमित राय जी, वो चाहते थे कि एक गीत बैकग्राउंड में चले जो थोड़ा उसमें उस कैरेक्टर में थोड़ा जोश लाने के लिए हेल्प करे। क्या कहानी है यू आर माई सोनिया की के बनने के पीछे की? करण ने, मुझे याद है, इंडिया में एक सेट लगाया था जो लंदन के पब जैसा दिख रहा था। ये जो गीत है सूरज हुआ मध्यम, ये फिल्म से पहले कंपोज हो गया था और मेरे पास था, तो मैंने करण को ये गीत सुनाया था। बाद में करण का कॉल आया, उन्होंने कहा कि वो उस फिल्म में लेना चाहते हैं ये गीत। करण जौहर के साथ आपका कोई कोलैबोरेशन क्यों नहीं हो पाया? करण को लगा होगा कि कोई और म्यूज़िक डायरेक्टर इससे बेहतर है, शायद उन्होंने इसलिए उनको लिया होगा। जब भी मैट के गाने आओगे जब तुम साजना की भी बहुत एक अमेजिंग कहानी है। फैज़ अनवार जी ने ये गाना लिखा था। अब मैंने उनको धुन सुनाई थी आओगे जब तुम साजना की, हाँ। अपने शब्दों में, और उन्होंने फिर ये लिखा और ये गीत हमने वहीं पर रोक दिया। उसके बाद 10-15 साल के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका ललन टॉप के इस मंच पर। आपने शुरुआत की थी कह दो ना यू आर माई सोनिया से, उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम और रोड टू संगम जैसे हारमोनी वाले गाने आपने गाए, ये कंपोज़ किए हैं। तो ये जर्नी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कि कैसी रही यू आर माई सोनिया से वसुधैव कुटुंबकम तक। जी, ये जर्नी एक ऐसी है कि अपनी मर्ज़ी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। तो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे शायद आपके मन में कुछ होता है और वैसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, वैसे लोग मिलते जाते हैं और वैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है और वैसे ही आपका काम आगे बढ़ जाता है। हाल ही में फिल्म आई OMG 2, उसका भी एक गाना आपने कंपोज किया था अकेले चल पड़ियो। अकेलो चल पड़ियो। अकेलो चल पड़ियो। वो गाना सुन के अक्षय कुमार या पंकज त्रिपाठी का कोई रिएक्शन आया उनका, उनकी तरफ से कुछ, वो भी आप बता दीजिए। हाँ, पंकज त्रिपाठी को ये गीत बहुत पसंद है और स्पेशली हमारे डायरेक्टर अमित राय को भी गीत पसंद है, और इसकी जो सिंगर है उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया, श्रेया मिश्रा। कभी खुशी कभी गम में आपके काफ़ी सारे गाने बहुत हिट हुए थे। आपने गाना कंपोज किया था सूरज हुआ मध्यम, और वो बहुत सुंदर फिल्माया भी गया था काजोल और शाहरुख पे। इसके पीछे एक कहानी भी है कि वो बुखार में उस गाने को कंपोज किया गया था। क्या है वो कहानी? इसके जो राइटर हैं अनिल पांडे, वो हम लोग एक ही घर में पेइंग गेस्ट रहते थे और वो प्रोड्यूसर थे, सीरियल प्रोड्यूस करते थे वो। तो उन्होंने एक दिन मुझे कुछ लाइनें सुनाई, बोला कि मैं भी गाना, देखो मैं भी लिखता हूँ, और उन्होंने सुनाया था ये। पहले कुछ और सुनाया, बाद में मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं। तो उन्होंने ये लाइनें लिखी थी, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, बर्फ़ का भी कलेजा क्यों पिघलने लगा। तो जब कोई गीत बहुत खूबसूरत होता है तो उसके साथ दोस्ती करने के लिए, उसके पास जाने के लिए एक ख़ास वक्त होता है जब आप उस मूड में होते हैं, जो आपको लगता है कि मैं इसको अटैम्प्ट अभी नहीं कर सकता है, कब करूं। एक दिन मैं था, मतलब अकेला था रूम पे, थोड़ा आई वॉज़ नॉट वेल ऑल्सो, मुझे लगा आज है ये टाइम। एंड देन फिर मैंने उसे कोशिश की और वो गीत आप लोगों के सामने जो शक्ल में बन के आया। तो अच्छा, मतलब आपको बुखार था और उस दौरान ही आपने? हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, तो ये है कहानी। अभी जुबिन भी आए थे और बहुत सारे, जब हम सिंगर्स से बात करते हैं या कंपोज़र से, आर्टिस्ट से स्पेशली जब हम बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो जिस तरह की कला में उस समय घुसे हुए होते हैं या कंपोज़ कर रहे होते हैं, वो उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, या वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं उस तरह के प्रोजेक्ट्स चुनते हैं। आपके साथ क्या रहता है? जी, कोई भी जो सृजन होता है किसी भी चीज़ का, वो होता है, वो किया नहीं जाता, वो होता है और वो आमद होती है। हम अपने शरीर को, अपने मन को उस अवस्था में रखते हैं, बस हम इतना ही कर सकते हैं। हम वो साधना कर सकते हैं जिससे हमारा मन और दिमाग एक उस अवस्था में रहे, और फिर वो अपने आप, जैसे गीता में लिखा हुआ है कि अपने मन को इतना सुंदर कर लो, जैसे हमको अगर भगवान की मूर्ति रखनी होती है मंदिर में तो हम मंदिर को साफ करते हैं। तो ऐसे ही जब आप अपने मन को बहुत साफ कर लेते हैं तो भगवान उसमें आ जाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है। तो कुछ उसी तरह का ये है कि आप अपनी साधना से, अपनी मेहनत से और अपने समर्पण से उसको उसमें ढाल लेते हैं, अपने शरीर को। ये एक इंस्ट्रूमेंट है शरीर, और फिर उसके ऊपर गीत, संगीत, कला का कोई भी स्वरूप उसमें झलकने लगता है। अपने सवालों में आगे बढ़ने से पहले ऑडियंस के अगर कोई सवाल हो तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं और हमारी टीम के सदस्य उनके पास माइक लेके पहुंचेंगे। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या आपका कंपोज़ किया हुआ कोई गाना सुनना चाहें वो फरमाइश भी आप रख सकते हैं। सर, आपने एक गाना कंपोज़ किया था अकेले चल पड़िए, जिसके बारे में भी आप गा भी रहे थे। OMG 2 जिस मूवी में आपने ये गाना गाया है उसके पीछे का क्या स्टोरी था सर? क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक सेंसिटिव मुद्दे पर बनाया गया मूवी था, तो उसमें वो गाना जब आपने बनाया था तो क्या थाउट थी और बनाने के पीछे का क्या रीज़न था सर? जिस वक्त उस फिल्म में जो किरदार है जो पंकज त्रिपाठी जी निभा रहे हैं वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता है या उसको आत्मबल की ज़रूरत होती है, तो फिल्म के जो निर्देशक हैं अमित राय जी वो चाहते थे कि एक गीत बैकग्राउंड में चले जो थोड़ा उसमें उस कैरेक्टर में थोड़ा जोश लाने के लिए हेल्प करे। तो जस्ट यही था, इतना ब्रीफ था और हमने कोशिश की जो गीत आपके सामने है। सर, हम सब सपने देखते हैं। सपने देखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सपने देखने की हिम्मत रखना, डेयर टू ड्रीम। आपका वो मोमेंट क्या था जब आपने सोचा कि आपको म्यूज़िक कंपोज़र बनना है और फिर आपने अपना पहला गाना किया? कैसे वो आप तक पहुंचा प्रोजेक्ट, कैसे आपने उसे चुना? मैं इसको बहुत इस ढंग से लेता हूं कि जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है और बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है तो फिर अपने आप को आप रोक नहीं सकते, खुद ब खुद होने लगता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। डर निकल जाता है, उसका अंजाम क्या होगा ये निकल जाता है। बस ऐसे ही था। तो संगीत का बहुत ज़्यादा शौक़ मुझे बचपन से रहा है और अभी भी बहुत है। तो शायद उस एनर्जी ने, उस फायर ने, उस मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये कदम उठाऊं। बस इसी तरह से। क्या कहानी है यू आर माई सोनिया की, के बनने के पीछे की? यू आर माई सोनिया सॉन्ग जो था, करण ने मुझे सिचुएशन दी थी। सोनिया एक कैरेक्टर है फिल्म के अंदर जो करीना कपूर निभा रही हैं, तो वो जिस तरह की कैरेक्टर थी और जब ऋतिक पहुंचते हैं लंदन तो एक पब में वो गीत हो रहा है और बस एक फिल्म की कहानी पर ही था। और समीर जी ने उसको फिर लिखा गीत को, कह दो ना यू आर माई सोनिया। तो ये कम्प्लीटली फिल्म की कहानी पर बेस्ड था। और करण ने, मुझे याद है, इंडिया में एक सेट लगाया था जो लंदन के पब जैसा दिख रहा था, तो उस गीत को उन्होंने बहुत आगे ले गए, बहुत खूबसूरत बना दिया। करण जौहर की फ़िल्मों में सबसे जो खूबसूरत बात ये होती है, वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स आई वुड से, कि उनकी फ़िल्मों का म्यूज़िक, उनकी फ़िल्मों के गाने बहुत खूबसूरत होते हैं। वो जनरेशन टू जनरेशन उनकी पॉपुलैरिटी वैसी ही हमने देखी है, बनी रहती है। तो जब आपकी करण से पहली बार मुलाकात हुई थी तो आपको जो ब्रीफ दिया था, उसके बाद जब गाना बन गया तो उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया? उनका म्यूज़िक सेंस कैसा है? शाहरुख का म्यूज़िक सेंस कैसा है? जी, शाहरुख भाई का म्यूज़िक तो सेंस अच्छा ही होगा क्योंकि उनकी फ़िल्मों के गाने इतने। कभी चर्चा हुई इस गाने के दौरान या फिर शूटिंग के दौरान? उनकी मेरी एक चर्चा हुई थी किसी और फिल्म को लेके, शाहरुख भाई के साथ। करण के साथ ये फिल्म की जो शुरुआत हुई, ये जो गीत है सूरज हुआ मध्यम, ये फिल्म से पहले कंपोज हो गया था और मेरे पास था। तो मैंने करण को ये गीत सुनाया था। बाद में करण का कॉल आया, उन्होंने कहा कि वो उस फिल्म में लेना चाहते हैं एक गीत, और वहाँ से शुरू बात हुई। तो पहला एक गाना हुआ, फिर यू आर माई सोनिया, फिर दीवाना है देखो, वंदे मातरम, फिर और ट्रैक्स ऐसे होते गए। तो ये गीत था जिसकी वजह से फिल्म शुरू हुई। अभी आप शाहरुख के साथ चर्चा की बात कर रहे थे, क्या चर्चा हुई थी, वो किस गाने को लेकर? फिल्म को लेके शाहरुख भाई से मुलाकात हुई थी उसी दौरान, फिर वो फिल्म बनी नहीं आगे और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद करण जौहर के साथ आपका कोई कोलाबोरेशन क्यों नहीं हो पाया, या फिर इम्तियाज़ अली के साथ भी आपका कोई कोलाबोरेशन उसके बाद क्यों नहीं हो पाया? इम्तियाज़ के साथ मैंने 2 फिल्में की। नहीं, करण के साथ आपका जो कोलाबोरेशन था वो कैसे नहीं हो पाया? करण के साथ कोलाबोरेशन नहीं हुआ। करण को लगा होगा कि कोई और म्यूज़िक डायरेक्टर से बेहतर है, शायद उन्होंने इसलिए उनको लिया होगा। जब भी मैट के गाने आओगे जब तुम साजना की भी बहुत एक अमेजिंग कहानी है, वो फिल्म का मूड एकदम चेंज कर देता है। प्लीज़ बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहानी है वो। आओगे जब तुम साजना गीत की कहानी, जब आप 2 लाइनों से आगे लिख नहीं पा रहे थे, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे के आगे आप लिख नहीं पा रहे थे? नहीं, ये गीत इतना ही था, मतलब फैज़ अनवार जी ने ये गाना लिखा था, मैंने उनको धुन सुनाई थी आओगे जब तुम साजना की, हाँ, अपने शब्दों में, और उन्होंने फिर ये लिखा और ये गीत हमने वहीं पर रोक दिया। उसके बाद 10-15 साल के बाद जब इम्तियाज़ के साथ मैंने उनकी फिल्म की थी सोचा ना था, तो सोचा ना था के दौरान मैं इम्तियाज़ ने गाना मुझसे सुना हुआ था, और फिर इम्तियाज़ ने कहा कि जब वो वी मेट बना रहे थे तो उन्होंने कहा ये गीत मुझे चाहिए इस फिल्म में, और उन्होंने गाने को यूज़ किया। तो फिर उस गाने को आगे बढ़ाया हमने, तो उस दौरान कुछ 10 साल लगे या 12 साल पता नहीं कुछ लगा। वो गीत का सेकेंड हाफ फिर कंपोज हुआ जब वी मेट फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए ऑडियंस के कुछ और सवाल हम लेंगे, कोई सवाल अगर आपको पूछना हो तो पीछे एक सवाल। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। आप कौन है, क्या बोला आपने? सर मेरा नाम हरिओम पांडे है, गोंडा जिला का रहने वाला हूँ, और मैं सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। जी सर, डिफरेंट ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जिस प्रकार से, क्योंकि जो एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, वो हम सब लोगों को मार्ग दिखाती हैं कि हम लोग उनके रास्ते पर चलकर आगे बढ़े, लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि एक्टर और एक्ट्रेस हो सकता है पॉपुलैरिटी के लिए या जो भी करते हैं, लेकिन वो कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जो हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्योंकि हम लोग उनको बहुत मानते हैं, दिल से चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो क्या वो एक बार हम लोगों की भावनाओं को नहीं देखते हैं कि हम जो ये काम करने जा रहे हैं इससे हमारे फैन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि सर यहाँ जो ऑडियंस बैठी है सर, इसमें अधिकतर ऑडियंस का यह क्वेश्चन होगा कि अगर सर किसी का सही या गलत हम चुनने वाले या डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। मैं इसका जवाब मैं आपकी बात का जवाब लेकिन सर मेरा क्वेश्चन इसलिए, क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ, तो अपनी बात रखने का अधिकार हमें भी है, तो मुझे दर्द हुआ इसलिए मैंने अपनी बात। नहीं, आपकी बात बहुत अच्छी है, मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, बाकी तो हमारे हाथ में नहीं है। सही है पांडे जी, हम इतना कर सकते हैं पांडे जी, हम अपने आप का रास्ता ठीक कर सकते हैं। हमको अपना देखना है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, करेक्ट? अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, वो ही बहुत मुश्किल है यार। तो इधर उधर नज़र मारना, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, उसके लिए अलग लोग हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हमें अपना रास्ता ठीक कर लें इस जन्म में, वो ही बहुत बड़ी बात है। जी, थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने हमें समय दिया, हमारे मंच का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच, थैंक यू।